चिमून में विधान परिषद की विधायक सुधाकर अड़बाले ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के साथ अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, देखिए इस खबर में। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर कर्मचारियों ने छठवें दिन भी बेमुदत हड़ताल शुरू की है और वहीं यहाँ चंद्रपुर में विधान परिषद के विधायक सुधाकर अड़वाले ने भेंट देते हुए आंदोलन तीव्र किया जाएगा और सभी ने इसमें सहभाग ले ऐसा आह्वान इस मौके पर किया। पुरानी पेंशन योजना लागू करे इस प्रमुख मांग के लिए 14 मार्च से सरकारी निम सरकारी कर्मचारी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत हड़ताल पर गए हैं। सरकारी निम सरकारी कर्मचारी शिक्षक संगठन समन्वय समिति के आह्वान के अनुसार राज्य के 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। हड़ताल के छठवें दिन चिमू तहसील के राज्य सरकारी कर्मचारी साथी शिक्षक हड़ताल पर गए हैं। वहीं आज विधान परिषद के विधायक सुधाकर अड़वाले ने इस मौके पर आंदोलनकारियों से मुलाकात की तथा आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा और जिन कर्मचारियों ने अभी तक आंदोलन में सहभाग नहीं लिया है वे भी सहभाग लें ऐसा भी आह्वान उन्होंने किया। संप करता हो, बेमुदत संप करता हो या ठिकाणी आणि संपातल्या ज्या प्रमुख मागण्या आहे या मागण्यांच्या अनुषंगाने संपकर्त्यांशी या राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पदाधिकाऱ्यांशी शासनाने चर्चा करावी यासाठी मी सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केला। सभागृहामध्ये स्पष्ट बोललो की या राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी 14 तारखेपासून बेमुदत संपाची नोटीस दिलेली आहे, या राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी शासनाने बोलणी करावी अशा प्रकारची मागणी केली, अन्यथा हे महाराष्ट्र राज्य 14 तारखेपासून ठप्प पडेल अशा प्रकारचा शासनाला इशारा दिला होता। त्याची नोंद घेऊन शासनाने एक सेक्रेटरिएट लेवलवरची सचिव स्तरावरची बैठक आयोजित केलेली होती, त्या बैठकीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधीला बोलावण्यात आलेलं होतं आणि त्यांनी म्हटलं की या संदर्भामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याच्या संदर्भात पेन्शनच्या संदर्भामध्ये आम्ही एक कमिटी नेमतो आहोत, परंतु आमच्या आपल्या पदाधिकाऱ्यांनी तो प्रस्ताव अमान्य केला। यापूर्वी सुद्धा 2019 मध्ये या मागणीच्या संदर्भामध्ये एक सम्यक समिती म्हणून दीपकजी केसरकर यांच्या नेतृत्वात नेमण्यात आलेली होती। 5 वर्ष झाले त्या सम्यक समितीचा अजूनही शासनाकडे अहवाल अप्राप्त राहिलेला आहे। सीटी हमारे प्रतिनिधी बालू सातपुते की रिपोर्ट।